इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर, दो साल बाद 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी को लेकर पर्यटन विभाग ने इस बार डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण करने का किया निर्णय। इस निर्माण को लेकर 60 करोड़ रुपए का सरकार को भेजा है प्रस्ताव। पर्यटन विभाग की तरफ से महाकुंभ को लेकर विभिन्न धार्मिक स्थलों के विकास पर 300 करोड़ रुपये किए जा रहे हैं खर्च। डिजिटल कुंभ म्यूजियम में देश और प्रदेश की सांस्कृतिक के अलावा महाकुंभ के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का भी हो सकेगा दर्शन। म्यूजियम में हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन व ऑडियो वीडियो रूम की होगी सुविधा। इसमें विभिन्न आध्यात्मिक दर्शन वाली गैलरी भी होगी जिनमें स्पिरिचुअल व कुंभ मेला इंटरप्रिटेशन गैलरी, समुद्र मंथन गैलरी और अखाड़ा गैलरी शामिल होंगे। ऐसे में कई योजनाएं इसमें शामिल होंगी और इस बार एक अद्भुत महाकुंभ का दृश्य होगा इस म्यूजियम में। 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर जहां पर्यटन विभाग ने शासन को और सरकार को मंजूरी के लिए पत्र लिखा है जिसमें 60 करोड़ के बजट की मांग की है। बता दें इस बार महाकुंभ में डिजिटल म्यूजियम बनाया जाना है जिसमें भारत के पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों के लोग दर्शन कर सकेंगे। साथ ही इसमें हीटिंग, एयर कंडीशन, ऑडियो वीडियो की सुविधाएं होंगी। साथ ही भारत के और प्रयागराज के ऐतिहासिक समुद्र मंथन और साथ ही कई धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी चीज़ों को भी देख सकेंगे। अब यहाँ 300 करोड़ रुपए से जहां धर्म स्थलों के सौंदर्यीकरण कराए जाने हैं महाकुंभ में, और इसी को लेकर 60 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है जिसमें इस डिजिटल म्यूजियम को लगाया जाएगा जो कि संगम क्षेत्र में इसको लगाया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इसका श्रद्धालु कितना आनंद ले पाएंगे क्योंकि धार्मिक चीज़ों से और पौराणिक मान्यताओं से एक बार फिर से लोग रूबरू हो सकेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज में जहां कॉल्विन हॉस्पिटल में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर जहां कॉल्विन अस्पताल के दो डॉक्टर, डॉक्टर संजीव यादव और डॉक्टर वीके सिंह सेवानिवृत्त भी हुए हैं, उनको विदाई दी गई। साथ ही तंबाकू के प्रति लोगों को ना इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया और क्या दुष्प्रभाव हैं इसके वो भी बताया गया। क्या कुछ कहना है डॉक्टर ईशान्या राज का, आइए दिखाते हैं। विश्व तम्बाकू दिवस के अवसर पर जितना हो सकता है लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। और तंबाकू के अगर निगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो देखा जा सकता है कि कोरोना में भी जो रेट्स काफ़ी हाई हुए थे उन लोगों के अंदर अफेक्टेड होने का जिन्होंने तंबाकू का सेवन काफ़ी किया था। और कोरोना में भी प्रूफ रहा है कि जो फेफड़े होते हैं अगर तंबाकू के कारण उस फेफड़े में कोई परेशानी होती है तो आगे चल करके रिकवर होने में वो दिक्कत देता है। इन्हीं सब उदाहरणों के साथ हमने तंबाकू से संबंधित जागरूकता देते हुए मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू का जो यूज़ है वो ना करने की सलाह दी है तथा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वो किस तरीके से अपने दिनचर्या में परिवर्तन करके, जैसे कई तंबाकू यूज़र्स होते हैं जो कि बिना तंबाकू के रह नहीं पाते हैं, तो उन्हें सिंपल स्ट्रैटेजीज़ बताई गई है कि आप इलायची का सेवन कर सकते हैं, आप च्युइंगम चबा सकते हैं। सरकार द्वारा निःशुल्क एक च्युइंगम आता है जो कि तंबाकू के अर्ज को कम करने का काम करता है, जिसको निकोटेक्स कहा जाता है, वो भी ले सकते हैं। और साथ ही थोड़े थोड़े समय पे पानी पीते रहेंगे, पेट भरा रहेगा तो भी तंबाकू की अर्ज डेवलप नहीं होगी। साथ ही पिक्टोरियल माध्यम से भी बताया गया है कि जो तंबाकू के कारण फेफड़े ग्रसित होते हैं तो कहाँ कहाँ किस एरिया में किस तरीके के कैंसर होने का खतरा होता है और किस तरीके से कैंसर के साथ ये बाकी ऑर्गन को भी प्रभावित करते हुए सामान्य जो लीला होती है मनुष्य की उसके समाप्ति की ओर ये अग्रसर करता है। लोग यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक, उन्होंने भी आज अस्पताल से जाते जाते लोगों से यही बात कही है कि तंबाकू छोड़ते हुए जीवन अपनाने का संदेश दिया है। सिंगार गौरी पूजा अधिकार को लेकर मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज। वाराणसी ज्ञान वापी स्थित सिंगार गौरी की नियमित पूजा अधिकार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी की तरफ से दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दिया है। सिविल वाद की पोषणीयता पर याचिक की आपत्ति अस्वीकार कर दी है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का, आइए दिखाते हैं। देखिए कोर्ट नंबर 64 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर कोर्ट आज
जो है उस पर जजमेंट आया मुस्लिम पक्ष के पिटीशन पे, सिविल रिवीजन पे, और उस जजमेंट में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का आवेदन को डिसमिस कर दिया है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था, डिस्ट्रिक्ट जज ने भी कैंसिल ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने किया था वाराणसी में, मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 11 जुलाई 91 को लागू हुआ उसके तहत 15 अगस्त 1947 की जो वस्तुस्थिति थी, जो भी स्ट्रक्चर था वो वस्तुस्थिति बनी रहनी चाहिए। लेकिन इसमें एक फर्क है कि माँ श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा 1993 तक होती रही है और अब साल में एक बार चैत्र वासंतिक नवरात्र के चतुर्थ दिन को होती है। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया था पिटीशन कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल देयर। अब फिलहाल क्या है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर तक लगभग 20 दिन सुना और मुस्लिम पक्ष को भी, और चूंकि मैं रिस्पोंडेंट नंबर 1 राकेश सिंह जी की तरफ को उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सबको सुना, पूरा मौका दिया और फाइनली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। क्योंकि देखिए ऑर्डर 7 रूल 11 का जो हिसाब किताब है वो दिखा जाता है कि प्लेंट में क्या कहा गया है, तो हमने जो कहा है उस आधार पर तो बार है ही नहीं है जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो फाइनली कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, केवल एक लाइन में बोला डिसमिस, फर्दर हम जब जजमेंट देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। क्या ग्राउंड दिया आपने, क्या ग्राउंड दिया किस आधार पर डिसमिस किया जाएगा? देखिए ग्राउंड ये रहा ना कि हम पिटीशन में कह रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं नियमित, उन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये बात प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसके जो है मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन हम जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ 11 जुलाई 1991 को, हम उसके बाद तक 1993 तक पूजा कर रहे थे ना वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार वाली कोई बात ही नहीं है। जी आगे वाराणसी में भी इस पे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चले? जी जी, अब तो पूरा एविडेंस का लेन देन होगा और फाइनल ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेंगे इसको कि अधिकार किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। बहरहाल परिचय बता जी, मैं सौरभ तिवारी रिस्पोंडेंट नंबर 1 राकेश सिंह को रिप्रेजेंट कर रहा था और असिस्ट कर रहे थे आरसुन पांडे जी। प्रधानमंत्री आवासीय योजना गोकुल धाम में जहां प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को मकान पाने के बाद अलग से खुशी देखने को मिली है, ऐसे में लोगों ने प्रधानमंत्री के आवास दिए जाने पर उनकी सराहना की है और साथ ही उनका कहना था कि यहां पर कुछ लोगों ने फ्लैट लेने के बाद किराए पर उठा दिया है और क्या कुछ कहना है यहां के लोगों का, आइए दिखाते हैं। शुरू में सर यहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे लाभार्थी ज़्यादा होने के बाद यहां सुविधाओं में कमी आ रही है जो फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं और इसको बेहतर ढंग से संचालन किया जाए, लोगों का सहयोग रहे तो बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, बहुत ही बेस्ट कॉलोनी है, शहर पश्चिमी की अच्छी कॉलोनियों में से एक है हमारी गोकुल आवास योजना प्रधानमंत्री। कितने कमरे के फ्लैट आप? हाँ, दो, ये 312 फ्लैट हैं इस कॉलोनी में और जिनमें पूरा लोगों का अलाटमेंट हो गया, कुछ घर किसी कारण वह छूट गए थे, उनका भी ADA के द्वारा पूरा कराया जा रहा है। रूम के फ्लैट है? ये 2 रूम का स्टेट है, 2 रूम है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम ये है। परिचय बता दिया। मैं अतुल पांडे प्रधानमंत्री आवास योजना का उपाध्यक्ष हूँ सोसाइटी का और आप सबके। देखिए इतने कम बजट में इतना अच्छा फ्लैट मिलना और इस लोकेशन में, ये तो बहुत बड़ी बात है और मोदी जी का ये योगदान तो बहुत ही अच्छा है और प्लस कॉलोनी के लोग भी सारे ही अच्छे हैं। लेकिन एक शिकायत ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो लोग जिनको मिला है उन लोगों ने रेंट पर भी रूम दे रखा है काफ़ी लोगों को, जो ये गलत है क्योंकि जिनको मिलना चाहिए था जिनके पास नहीं ये उनके लिए है, ना कि वो लोग जो मिल गया है और अपना मकान में रह रहे हैं और उन्होंने रेंट पे दे रखा है। ये 312 है टोटल हमारे फ्लैट में, नहीं सारे ही सब में 2 रूम हैं जी। श्वेता पांडे। 2 कमरे का फ्लैट है, किचन लैट्रिन बाथरूम सब है, हर चीज़ का सुविधा है, पानी का, साफ़ सफाई भी यहाँ रहती है, हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है, यहाँ तक के गार्ड आर्ड का हर चीज़ का, मतलब कोई चीज़ का यहाँ दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का परेशानी जी, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? सबा। देखिए सबसे पहली बात कि सरकार की ये पहल अच्छी है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं थे, जो लोग किराए पर रहते थे, उन सभी को मकान मुहैया कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें से एक हमारा भी नाम है, हम भी यहाँ पे हैं, इस कॉलोनी में हैं और प्रधानमंत्री जी के इस कार्य से बहुत हम लोग खुश हैं क्योंकि भाई जहाँ हम किराए पे रह रहे थे वहाँ हमारे लिए दिक्कत हो रही थी, जहाँ पे खाने के लिए दिक्कत थी तो वहाँ किराए पे मकान पे रहना बहुत ही दिक्कत हो रहा था, तो ये कॉलोनी में अब रह रहे हैं तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा परिवार है कॉलोनी में, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है रहने में।
क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद करीम है और इस कॉलोनी में हम रहते हैं। बख्शी बाज़ार मस्जिद काजी साहब में जश्न शाह खुरासा की महफिल में शायरों ने हज़रत इमाम अली रज़ा की यौम विलादत पर एक से बढ़कर एक अशार से महफिल को गुलजार बनाया। अराकीन बज़्म कलीम के बैनर तले सजाई गई महफिल का आगाज़ मौलाना मोहम्मद ताहिर की तकरीर से हुआ। ज़मीर इलाहाबादी के संचालन में शायर ज़की एहसन ने पढ़ा, रखे जो कदम कुंभ में रहमत की घटा छाई, क्यों ना हो खैज़ा रुखसत नूरानी बहार आई। वहीं इसरत नकवी ने अपने तसव्वुरात का इजहार करते हुए पढ़ा, ए शहनशाह खुरासा तेरी हिकमत को सलाम, हो रहा है इस सदी में उस सदी का तस्किरा। हाशिम बंदवी ने पढ़ा, जिनकी अजमत को फरिश्ते रात दिन सजदा करे, कर नहीं सकता मैं उनकी बंदगी का तस्किरा। बताते चले बख्शी बाज़ार मस्जिद काजी साहब में जश्न शाह खुरासा की महफिल में जहाँ शायरों ने अपने अपने कलाम पेश किए, वहीं मुस्लिम सिया समुदाय के लोग इस महफिल में शामिल भी हुए। अदरसिया थाना अंतर्गत जहां बीते दिनों डेयरी संचालक पर जानलेवा हमला हुआ था और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, वहीं डेयरी संचालक ने अब इस पूरे मामले पर रोशनी डाली है और क्या घटना थी और किस तरह से विवाद हुआ था बताते हुए मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना था कि उसकी दुकान में चोरी की नीयत से एक युवक आया था जिसे डांट कर भगा दिया था, मगर रात में जब वे 11 बजे लौट रहा था तो उसी युवक ने सर पर वार करते हुए मोटरसाइकिल से गिरा दिया और अपने साथियों के साथ रॉड और डंडे से उस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सारन अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही। ऐसे में पीड़ित ने मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। मेरे डेयरी में जो है एक लड़के ने जो है कुछ मतलब कि चोरी के संभावना से जो है जैसे तो ताक झाक कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा तो गाड़ी वगैरह दे के भाग गया। उसके बाद जो है अपने साथियों के साथ जो है रास्ते में मैं जा रहा था, 11 बजे रात को तो मुझ पर अटैक कर दिया, जानलेवा हमला किया, इससे मेरे दोनों हाथ टूट गए, सर पे जो है चोटें आई हैं। तो उसके बाद जो है पुलिस हमको जो है वहाँ SRN भर्ती करी, रिफ़र किया गया, उसके बाद दूसरी हॉस्पिटल में इलाज किया गया है, FIR हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कब की घटना है ये? घटना जो है 18 तारीख की रात को। कौन लड़का था, कितने लोग थे, कब और कैसे भागा? लड़का भीमपाल था, अपने साथियों के साथ आया था। कितने लोग थे और कैसे वार किया था? उसने जो है अचानक मोड़ पे आके जो है उसने जो है सर पे चलती गाड़ी में सर पे मार दिया, मैं गिर गया। उसके बाद जो है उसने जो है राड से मोटी राड पाइप की थी बोरिंग वाली, उसी से वार किया। मुकेश पाल। संगम नगरी प्रयागराज जहां रामबाग ओवर ब्रिज पर चाइनीज मांझे से बचाने के लिए लोगों को लोहे के तार लगाए गए थे, अब ये लोहे के तार टूट गए हैं जिससे किसी समय भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। बता दें अक्सर देखा जाता है कि चाइनीज मांझे का लोग शिकार होते हैं और लोगों की गर्दन कट जाती है और उनको तत्काल लोगों ने कई बार अस्पताल में भर्ती कराया और कई लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी है, मगर रामबाग ओवर ब्रिज जो कि रिहायशी इलाके को छूता है और ऐसे में यहाँ पर लोहे का तार लगाए गए थे चाइनीज मांझे से लोगों को बचाने के लिए, मगर इसी के कुछ हिस्से के तार टूट गए हैं जिससे अब लोगों पर फिर से चाइनीज मांझे का संकट मंडरा रहा है और ऐसे में लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चाइनीज मांझे से बचाने के लिए तार लगे हुए हैं और इन हिस्सों में तार टूट गए हैं जिससे कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अब देखना होगा इस पर किस तरह से कार्रवाई करते हुए फिर से तार लगाया जाता है या फिर इसी तरह से खतरा मंडराता रहता है। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज जहां लोगों ने आज रैली निकाली, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे, कई समाज सेवी संगठनों ने आज इस रैली में शामिल होकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि तंबाकू से हर साल लोगों को कैंसर में कितनी जानें चली जाती हैं और इसके उपयोग से किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर पोस्टर बैनर लेकर लोग उतरे और लोगों को इस तंबाकू से दूर रहने की सलाह देते हुए जागरूक किया। बता दें वहीं सुभाष चौराहे पर पहुँचे हाथों में पोस्टर बैनर लेकर समाज सेवी संगठनों ने लोगों को जागरूक किया और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोगों को सड़कों पर जागरूक करते दिखाई दिए।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।